हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शकील। स्वागत है आपका जीडी एजुकेशन में। दोस्तों, आज आपके लिए मैं क्लास 8 साइंस एडवांस परीक्षा 2018-19 का पेपर लेके आया हूं। इस पेपर को आप कम्प्लीट देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में से भी कुछ प्रश्न ज़रूर आते हैं और ये प्रश्न एडवांस परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में भी, बोर्ड परीक्षा में भी आ सकते हैं। तो इस पेपर को अच्छे से देखिए और अच्छे से अच्छे तैयार कीजिए, ताकि आप उच्चतम स्कोर प्राप्त कर सको। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि आपको इस चैनल पर सभी तरह के पेपर, मॉडल पेपर, वार्षिक परीक्षा के पेपर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, प्री बोर्ड पेपर, वार्षिक परीक्षा के पेपर, बोर्ड पेपर, सभी तरह के पेपर मिलेंगे, सभी क्लासेस के मिलेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे कि आप रेगुलर अपडेट रह सके और अच्छे से अच्छे परीक्षा की तैयारी कर सको। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस पेपर को करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है और ये पूर्णांक अंक 50 नंबर का होता है। ये इसमें एक नोट लिखा गया है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें लिखा गया है सभी प्रश्न करने अनिवार्य है और सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने अंकित है। प्रश्न एक बहुविकल्पीय प्रश्न है। एक नंबर प्रश्न है, इसमें थर्मोप्लास्टिक है, बेकेलाइट, वेलामाइन, पॉलीथीन कोई नहीं। प्रश्न नंबर एक वैकल्पिक प्रश्न है और इसमें ये चारों प्रश्न में से एक आपको चूज करके लिखना है। और ये एक नंबर प्रश्न में प्रत्येक इसका भाग एक एक अंक का है। इसमें प्रश्न नंबर दो है, नीमन में संकटापन प्रजाति है, नीम, खेजड़ी, इंदोरक, बेर। इसमें तीन नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से जीवाश्मीय ईंधन नहीं है, पेट्रोल, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, डीजल। प्रश्न नंबर चार है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 21 जून, 5 जून, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर। अब ये विकल्पी प्रश्न कंप्लीट हुए। अब आपको कॉपी में लिखने वाले प्रश्न आ गए हैं। प्रश्न नंबर दो है, थ्रेसिंग किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर तीन है, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर चार है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण लिखिए। प्रश्न नंबर पाँच है, रेड डाटा बुक क्या है। दोस्तों, अभी मैं इनके आंसर पर नहीं जा रहा हूँ। अगर आपको आंसर चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आपको आंसर की वीडियो भी मिल जाएगी। हमारा इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको क्वेश्चन उपलब्ध कराना है एडवांस परीक्षा के, और आपको सभी तरह के पेपर के प्रश्न मिल जाएंगे। तो आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हो, आपको 6th क्लास की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आपको सभी तरह के प्रश्न मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हो। प्रश्न नंबर छः है, भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम लिखो। प्रश्न नंबर सात है, प्लान वे क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर सात तक के प्रश्न एक एक अंक के थे, अब शुरू होते हैं दो दो अंक के प्रश्न। प्रश्न नंबर आठ है, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। प्रश्न नंबर नौ है, कॉलम ए व दो का मिलान कीजिए, कॉलम एक। इसमें एक नंबर है, अम्ल व क्षार की क्रिया द्वारा जल व लवण बनाना। इसमें इनको मिलान करना है कि कौन से में मिल जाता है। इसमें दो नंबर है, ऑक्सीजन का निष्कासन। तीन नंबर है, ऊष्मा का उत्सर्जन। चार नंबर है, हाइड्रोजन का निष्कासन। कॉलम दो में ए है ऑक्सीकरण, बी है उदासीनीकरण, स है अपचयन, द है ऊष्मा क्षेपी। इनमें आपको मिलान करना है एक दूसरे को। प्रश्न नंबर दस है, श्वेत कणिकाओं को हमारे शरीर के सैनिक क्यों कहते हैं। प्रश्न नंबर ग्यारह है, एड्स के बचाव के उपाय लिखो। प्रश्न नंबर बारह है, विद्युत चुंबक के चार उपयोग लिखो। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी नंबर 14 नंबर, 15 नंबर और बाकी के पीछे के प्रश्न वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, जिससे कि वीडियो छोटी रहे और आप अच्छे से आराम से देख सको। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको कुछ भी पसंद आया हो, कुछ भी बुरा लगा हो, कुछ आपका सुझाव देना हो, कुछ आपको पूछना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, जिससे कि हम आपकी समस्या का समाधान कर सके और अच्छे से अच्छा अपना काम में इम्प्रूवमेंट ला सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।